नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल से राजेश कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग 9 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन चूज किया है, एक्सरसाइज 2.3 है, जो कि टोटली रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। ऐसा आपने रिमाइंडर थ्योरम को देखा और उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके क्वेश्चंस को किस तरह से बनाते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन, कैसे इसके सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड करें, तो देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस है, उनमें से 3 क्वेश्चंस को मैंने चुना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 1 एक्स माइनस हाफ एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्स प्लस 5। 1, 2 और 4 नंबर क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है। इसे आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ समझे बात को। चलते हैं सॉल्यूशन में। जैसा हमने बताया था, एफ एक्स हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, यहां पर हम लोग इसको मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो जी एक्स होगा उसको हम लोग जीरो कर देंगे। तो लिखेंगे सिंस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल में एफ एक्स में कि एक्स में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाता है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स के जगह पे रखेंगे माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 1। ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। यही हमारा इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिख लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ, सिंस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज जी एक्स है एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब ये जो एक्स इज इक्वल टू हाफ निकला है, हम लोग इस पॉलिनोमियल में डायरेक्ट यूज करेंगे। लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हमको निकालना है एफ हाफ देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ हाफ। यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एफ हाफ इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम लोग हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 होल क्यूब प्लस 3 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा ये, प्लस 3/4 हो जाएगा ये, प्लस 3/2 और प्लस 1। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 8
1 + 2, 3, 6, 2 + 4, 3, 12, + 8 = 12, 8, 20, 27, 27 by 8 इसका रिमाइंडर होगा. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स एक्स माइनस ए. बिल्कुल सर क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखते हैं. एफ एक्स हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए. एंड जी एक्स जिसे कि डिवाइड करेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. अब हम लोग एफ एक्स में जी एक्स से डिवाइड करते हैं. सिंस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए. अब ये एक्स इज इक्वल टू ए इस पॉलिनोमियल में रखेंगे यानी हम लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ई. ये वाला एफ आ जाएगा. हम लोग लिखते हैं इक्वल टू ये जो पॉलिनोमियल है यहां पर एफ एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस सिक्स इंटू ए और माइनस ए. अब हम लोग इसको लिखते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब प्लस सिक्स ए और माइनस ए इज इक्वल टू ए तो कैंसिल हो जाएगा माइनस ए क्यूब सिक्स ए माइनस ए फाइव ए. एंड दिस इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल. अगर डिवाइड दे के भी देखोगे तो रिमाइंडर इतना ही आएगा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो अंतर है. यहां पर क्वेश्चन है कि चेक करो 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं है. इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बतलाना चाहता हूं उसे देखें. 15 एक रियल नंबर है. 15 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है तो 15 का फैक्टर होगा 3, 5 कम से कम ये 2. 15 भी होगा 1 भी होगा किसी एक को ही लेके चलते हैं तो 3 है. डेफिनेटली 3 15 का फैक्टर है. अब अगर ये अगर फैक्टर है तो इससे हम 15 को डिवाइड देते हैं 3. अगर 15 को डिवाइड दिए तो 3, 5 + 15 रिमाइंडर क्या बच जाता है. रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है. इसका मतलब है कि इस केस में अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. समझ गए होंगे. अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं. सिंस यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ + 7x ये एक पॉलिनोमियल है. दूसरा पॉलिनोमियल इसको हम लोग मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 3x + 7 लिखेंगे. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए ठीक है. अब इसको फैक्टर होने के लिए टू बी ए फैक्टर ऑफ
एफएक्स का फैक्टर होने के लिए द रिमाइंडर व्हेन एफएक्स इज डिवाइडेड बाय gx will be equal to 0. To be a factor of fx, the remainder when fx is divided by gx will be 0. To remainder 0 hona chahiye. To sabse pehle hum log isko 0 ke equal karke x ka value nikal lete hain. Since 3x plus 7 is equal to 0, that implies 3x is equal to minus 7, therefore x is equal to minus 7 by 3. अब हम लोग निकालेंगे remainder. Remainder is equal to f minus 7 by 3. Minus 7 by 3 is equal to, सीधा वैल्यू रखो, 3 into minus 7 by 3 का होल क्यूब, एक्स की जगह पे रख दिए माइनस 7 बाई 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस 7 बाई 3. इसको सावधानी से सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं 0 आता है तो फैक्टर नहीं है. इज इक्वल टू, ये तो माइनस ही साइन रह जाएगा, 3 इंटू 7 into 7, 49, 49 into 7, 49 into 7, 9, 7, just 63, 6, 7, 4, 28, 343. तो ये आ जाता है 343 by 339, 93, 27, यहाँ पर 27, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7, 7, 49 by आ जाएगा 3. यहाँ पर एक तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 से 9, यहाँ पर 9 लिख सकते हैं. अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, इसलिए 0 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. 9 माइनस 343, माइनस 343 एंड अगेन माइनस, दिस इज माइनस, 3 डिवाइडेड 3, 3 इंटू 49, 9 3 27, 2, 4, 3, 12, 12, 2, 40 equal to minus 7, 3, 10, 1, 4, 4, 8, 1, 9 and 3 or 1 and 4 is by 9. This is the answer. Since remainder is not equal to 0, therefore 3x plus 7, 3x plus 7 is not a factor of 3x cube plus 7x. अगर remainder 0 आ जाता तो हम उसको factor बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि remainder तो 0 आया नहीं, minus 4, 9, 0 by 9 आया है, इसलिए वो उसका फैक्टर नहीं होगा. उम्मीद है ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया. अगला वीडियो में आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, आज इतना सा ही. जय हिंद.